بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم तमाम अहबाब मोहब्बत प्यार अकीदत के साथ एक मरतबा दरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का यहाँ आना मिल बैठना अपने बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इस महफिल को अपने बारगाह में कबूल फरमाए। हमारे यहाँ मेहमान मखदूब भाई सना खान रसूल हज़रत मौलाना रियाज मदनी साहब, सना खान रसूल हाफिज़ इकरामुल्लाह और ख़ूबसूरत शहबाज नकाबत शहबाज खिताबत ख़ूबसूरत अंदाज हज़रत मौलाना हाफिज़ उसामा नसीर साहब, वो भी तशरीफ़ फरमा है। अभी अहबाब आपके सामने तशरीफ़ लाएंगे। अल्लाह ताला इस महफिल को हम सब के लिए निजात का ज़रिया बना दे। कोई जुमला समझ में आए तो मोहब्बत से क्या कहेंगे भाई, थोड़ा सा बोलें, क्या कहेंगे भाई। जो ये बच्चे कुर्सियों बैठे हैं मेरी, इनसे दरख्वास्त है कि नीचे बैठ जाएं तो अल्लाह आपको खुश रखे। अहबाब करीब करीब आके बैठेंगे, बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। जो बच्चे करीब आ जाएँ, जो मजबूर हैं वो बैठ सकते हैं कुर्सियों पर, जो नहीं मजबूर वो नीचे बैठ जाएँ इंशाल्लाह, इस पर भी बहुत अजर। आगे हो जाए भाई, थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा आगे आ जाए। अल्लाह ताला खुश रखे आपको। कोई ना, आ जाए थोड़ा सा आगे, आ जाए आप भी, आ जाए थोड़ा सा आगे। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्म सल्ली अला मेरे वाजिब अहतराम बुज़ुर्गो दोस्तों भाइयों, अल्लाह का बेहद बे इंतहा ज़्यादा शुक्र है उस खालिक कायनात मालिक दो जहाँ का कि अल्लाह ने इस पुरफितन दौर के अंदर हमें अपने दीन से जोड़ रखा है और हक वालों के साथ जोड़ रखा है। अल्लाह ताला हमें इन्हीं के साए में बकिया ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के सरदार हैं, नबियों के इमाम हैं। वो खालिक कायनात ने सारी चीज़ें अपने महबूब के लिए बनाई हैं, अपने महबूब को सजाया है। अपने महबूब को भेजने से पहले कायनात के अंदर हर चीज़ को सजाया है, हर चीज़ को बनाया है। अपने महबूब के लिए अल्लाह ने हर चीज़ को चुनकर अता किया है। महबूब के लिए अल्लाह ने कायनात को बनाया, कायनात को सजाया, कायनात के रंगत को भरा। चांदनी को चांदनी मिली, सूरज को चमक मिली, सितारों को रोशनी मिली, ज़मीन को पुश्तियाँ मिली, आसमानों को बुलंदियाँ मिली। मेरे महबूब के आने से पहले अल्लाह ने सारी कायनात को सजाया है, सारी कायनात को बनाया है। गुलाबों के अंदर अल्लाह ने खुशबू को रखा है। मेरे तेरे पैगंबर के आने से पहले अल्लाह ने आदम को भेजा है, नूह को भेजा है, ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा है, दाऊद अलैहिस्सलाम को भेजा है, हत्ता के 1 लाख से ज़्यादा अल्लाह ने अपने नबियों को भेजा है। अपने महबूब का इस्तकबाल करवाया है कि पैगंबर आएगा, उसका तज़किरा करना है। अल्लाह के पैगंबर तो वो हैं, कायनात बनी नहीं है, कायनात को अभी वजूद नहीं दिया गया है, ज़मीन अभी बिछोना नहीं बनी है, अभी इस पर पहाड़ नहीं आए हैं, अभी आसमान को अल्लाह ने नहीं बनाया है, अभी आसमान पर अल्लाह ने चांद और सूरज को नहीं सजाया है, अल्लाह ने अभी इनके अंदर रोशनी नहीं डाली है, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को नहीं बनाया है, इसका गारा भी नहीं बना है, नूह अलैहिस्सलाम को भी नहीं भेजा है, अल्लाह ने नबियों को भी नहीं भेजा है। अल्लाह ने कायनात के अंदर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं,
ये चीजें नहीं थी। उस वक़्त मेरे और तेरे पैगंबर का तज़करा शुरू हो चुका था। वो पैगंबर अलैहिस्सलाम अभी माँ के पेट में है, तज़करा पहले शुरू हो चुका है, दुनिया में नहीं आए हैं, तज़करा पहले शुरू हो चुका है। आदम की जुबान पर पैगंबर का तज़करा है, हर नबी की जुबान पर पैगंबर का तज़करा है, पैगंबर का तज़करा है, पैगंबर के जुबान पैगंबरों के नबियों के जुबानों पर पैगंबर का तज़करा है। बाकी नबी नबी बनकर आए हैं, मेरे और आपके पैगंबर नबियों के सरदार बनकर आए हैं, बाकी रसूल बनकर आए हैं, ये रसूलों के सरदार बनकर आए हैं, बाकी नबी इलाके के लिए नबी बनकर आए हैं, मेरे और आपके पैगंबर पूरी दुनिया के लिए रहमतुल्लिल आलमीन बनकर आए हैं। मेरे और आपके पैगंबर अभी दुनिया में आए नहीं, तज़किरे पहले शुरू हो चुके थे, बाकी नबी इलाके के लिए नबी बनकर आए हैं, मेरे और आपके पैगंबर कायनात के लिए नबी बनकर आए हैं, मेरे और आपके पैगंबर नबियों के भी सरदार हैं, नबियों को भी इमामत करवाई है, मेरे और आपके पैगंबर को अल्लाह ने जो चीज़ें दी हैं वो चुनकर अता की हैं, पैगंबर को जवानी दी ऐसी जवानी भी किसी को अता नहीं की, पैगंबर को जवानी दी ऐसी जवानी भी किसी को अता नहीं की, पैगंबर को हुसन दिया ऐसा हुसन भी किसी को अता नहीं किया, पैगंबर को घराना दिया ऐसा घराना भी किसी को अता नहीं किया, पैगंबर को यार दिए ऐसे यार भी किसी को नहीं दिए, पैगंबर को जानिसार दिए ऐसे जानिसार भी अल्लाह ने किसी और नबी को अता नहीं किए, पैगंबर को वफादार दिए ऐसे वफादार भी अल्लाह ने किसी और नबी को अता नहीं किए, मक्का दिया ऐसा शहर भी अल्लाह ने किसी और को अता नहीं किया, मदीना दिया ऐसा मदीना भी अल्लाह ने किसी और नबी को अता नहीं किया, सल्तनत ऐसी सल्तनत भी किसी और नबी को अता नहीं की, बादशाहत दी ऐसी बादशाहत भी अल्लाह ने किसी और नबी को अता नहीं की, अल्लाह ने हुकूमत दी ऐसी हुकूमत भी किसी और नबी को नहीं मिली, अल्लाह ने हुसन दिया हुसन भी किसी और नबी को नहीं मिला, अल्लाह ने जवानी दी है ऐसी जवानी भी किसी की नहीं है, ऐसा तज़करा भी किसी का नहीं है, ऐसे जुल्फे भी किसी नबी की नहीं है, नबियों को हर चीज आला अता की है लेकिन जो पैगंबर को दी वो दूसरे पैगंबर को नहीं अता की है। अल्लाह के खजानों में हुसन सबसे आला था, अपने पैगंबर को दिया, जवानी सबसे आला थी, अपने पैगंबर को अता की, अल्लाह के शहर आला था, अपने पैगंबर को अता की है, मक्का आला था, पैगंबर को अता की है, अबू बकर आला था, पैगंबर को अता किया, उमर आला था, पैगंबर को अता किया, उस्मान आला था, पैगंबर को अता किया, अली आला था, पैगंबर को अता किया, सहाबा आला था, पैगंबर को अता की है, हर चीज पैगंबर को चुनकर अता की है, दिन दिया तो चुन कर दिया, मक्का दिया चुना हुआ, चुनकर हर चीज अता की है, पैगंबर को हर चीज आला दी है, किसी नबी को इस तरह आला अता नहीं किया, जो मकाम अल्लाह ने अपने पैगंबर को अता दिया है, पैगंबर को दिया है वो मकाम किसी और नबी को नहीं दिया है, जो मर्तबा अल्लाह ने अपने पैगंबर को दिया है वो मर्तबा किसी और नबी को नहीं दिया है, जो शान अल्लाह ने अपने पैगंबर को अता की है वो शान किसी और नबी को अता नहीं की है, जो चीजें अल्लाह ने अपने पैगंबर को अता की वो किसी और नबी को अता नहीं की है, पसीना दिया है सबसे आला दिया है। तो एक शायर कहता है कि पत्थर को यूं तराशा नगीना बना दिया, कि पत्थर को यूं तराशा नगीना बना दिया, सहराओं को मुस्कुराकर मदीना बना दिया, सारे गुलाबों की खुशबू निचोड़ कर मेरे अल्लाह ने मेरे महबूब का पसीना बना दिया, मेरे अल्लाह ने हर एक नक्शा मोहम्मद का, हर एक सूरा मोहम्मद का, कुरान पाक के जलवों में जलवा है मोहम्मद का, अरे पत्थर मारने वाले अरे कूड़ा फेंकने वाले सभी बदले लेकिन बदला नहीं रास्ता मोहम्मद का। अल्लाह ने जो चीज़ें अता की वो किसी और नबी को अता नहीं की है, जो शान मकाम अल्लाह ने अपने पैगंबर को अता की है वो किसी और नबी को अता नहीं की है। अल्लाह ने सहाबा दिए पैगंबर के, वो जानिसार सहाबा, पैगंबर के वो वफादार सहाबा, पैगंबर पर जान लुटाने वाले सहाबा, अल्लाह ने ऐसे वफादार किसी नबी को अता नहीं किए हैं, नफादार दिए लेकिन अबू बकर जैसा वफादार नहीं दिया है, जो मार खाता है
लेकिन मार खाने के बाद पहले पैगंबर को देखना पसंद करता है, दूध पीना बाद में पसंद करता है, पानी पीना बाद में पसंद करता है, लेकिन पैगंबर को देखना पहले पसंद करता है। अल्लाह के वो जानिसार सहाबा, अल्लाह के पैगंबर अली सलातु वसलाम पर जान देने वाले सहाबा हैं, पैगंबर की खातर जान लुटवाने वाले सहाबा हैं, पैगंबर की खातर कट मिटने वाले सहाबा हैं, नबी चले किस तरह हैं बताने वाले सहाबा हैं, नबी लेटे किस तरह हैं बताने वाले सहाबा हैं, नबी उठे किस तरह हैं बताने वाले सहाबा हैं, नबी ने रुकू कैसे किया है बताने वाले सहाबा हैं, नबी ने कयाम कैसे किया है बताने वाले सहाबा हैं, नबी ने सजदे में क्या पढ़ा है बताने वाले सहाबा हैं, नबी घर से कैसे निकले हैं बताने वाले सहाबा हैं, नबी घर में कैसे गए हैं बताने वाले सहाबा हैं, नबी बैठते किस तरह थे बताने वाले सहाबा हैं, नबी खड़े किस तरह होते थे बताने वाले सहाबा हैं, नबी चला किस तरह करते थे बताने वाले सहाबा हैं, नबी के पसीने से कौन सी खुशबू आया करती थी बताने वाले सहाबा हैं, नबी ने गुसल कैसे किया और तरीका कैसे बताया है बताने वाले सहाबा हैं, नबी ने जंगे कैसे लड़ी हैं बताने वाले सहाबा हैं, जंगों के अंदर कौन सा साथ थे सहाबा हैं, नबी वजू करते साथ कौन है उन्हें सहाबा कहते हैं, नबी ने वजू कैसे किया आगे बताने वाले सहाबा हैं, नबी ने वजू कर कर पानी किस तरह में पानी पीना किस तरह इस्तेमाल किया बताने वाले सहाबा हैं, नबी एक मस्जिद में कैसे बैठा करते थे बताने वाले सहाबा हैं, नबी घर में कैसे जाया करते थे बताने वाले सहाबा हैं, नबी घर वालों के साथ कैसे मोहब्बत किया करते थे बताने वाले सहाबा हैं, नबी यारों के साथ कैसे मोहब्बत किया करते थे बताने वाले सहाबा हैं, नबी पैगंबर अली सलातु वसलाम साथ दुश्मनों के साथ किस तरह मोहब्बत किया करते थे बताने वाले सहाबा हैं, नबी के हर हर हिस्सा नबी ने जो दे दीन दिया है वो आगे पहुँचाने वाले सहाबा, हम तक कलमा पहुँचाने वाले सहाबा, हम तक नमाज पहुँचाने वाले सहाबा, हम तक हज पहुँचाने वाले सहाबा, हम तक दीन पहुँचाने वाले सहाबा, हम तक रुकू पहुँचाने वाले सहाबा, माँ की इज्जत बताने वाले सहाबा, बेटी की इज्जत बताने वाले सहाबा, बहन की इज्जत बताने वाले सहाबा, हर दम सहाबा, वो दीवाने मोहम्मद के मैं दीवाना सहाबा का, वो परवाने मोहम्मद के मैं परवाना सहाबा का, वो नौकर मोहम्मद के मैं नौकर सहाबा का, हम सहाबा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें सब चीज़ सहाबा से मिली है, हमें नमाज सहाबा के जरिए मिला है, हमें जमा कमालमा सहाबा के जरिए मिला है, हमें दीन सहाबा के जरिए मिला है, अगर सहाबा को निकालोगे, अबू बकर को कोई निकालता है सदाकत नहीं मिलती है, उमर को कोई निकालता है अदालत नहीं मिलता है, उस्मान को कोई निकालता है हया नहीं मिलता है, अली को कोई निकालता है शुजात नहीं मिलती है, अगर कोई मुआविया को निकालते कुरान नहीं मिलता है, माँ आयशा को निकालोगे दीन नहीं मिल सकता है, सहाबा तक साहब पैगंबर तक पहुँचने के लिए जरिया सहाबा है, जब सहाबा को निकालोगे पैगंबर तक नहीं पहुँच सकते, पैगंबर अली सलातो सलाम के फरमाया जो जन्नत में जाना चाहता है वो मेरी उम्मत में आएगा, जो मेरी उम्मत में आना चाहता है उसे सहाबा के पीछे आना पड़ेगा, जो सहाबा को निकालेगा वो सहाबा से कट जाएगा, वो दीन से कट जाएगा, वो नमाज से कट जाएगा, जब नमाज से कटेगा वो इंसान मुसलमान नहीं रह सकता है, तो पैगंबर के जानिसार कौन, पैगंबर के जानिसार कौन, पैगंबर के हुबदार कौन, तो इसलिए कहते हैं कि सहाबा हमारा सब कुछ है, अगर सहाबा को निकालोगे तो कुछ नहीं मिल सकता है। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, सहाबा के जरिए हमें कुरान मिला है, कुरान अल्लाह की सबसे बड़ी किताब है और इसको पढ़ने वाला भी सबसे आला हुआ करता है, अगर कुरान तो हम तक पहुँचा है वो सहाबा के जरिए पहुँचा है, कुरान मुकम्मल पहुँचा है सहाबा के जरिए पहुँचा है, जिन्होंने सहाबा को निकाला है, जिन्होंने सहाबा को छोड़ा है, जिन्होंने सहाबा को छोड़ दिया है वो दुनिया में भी जलील हो रहे हैं आखिरत में भी जलील और रुस्वा। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, सहाबा के कदम पर आना पड़ेगा, सहाबा के पास आना पड़ेगा, अगर दीन चाहते हो सहाबा के कदमों में आना पड़ेगा, दीन से जुड़ना चाहते हो, जन्नत में जाना चाहता है कोई बंदा, जन्नत का तलबगार है, कानव ये रखता है कि मैं जन्नत में जाऊं, आशिक ये कहता है कि मुझे नबी से मोहब्बत है, उसे नबी से पहले नबी के वफादारों से मोहब्बत करनी पड़ेगी, नबी के वफादारों को मानना पड़ेगा, अगर नबी के वफादारों को निकालोगे नबी के मोहब्बत करना चाहो नहीं हो सकती है, सहाबा से मोहब्बत करोगे तो पैगंबर तक पहुंच जाओगे, पैगंबर तक पहुंचोगे तो अल्लाह जन्नत तक पहुंचा देगा। तो मेरे भाई दोस्तों, इसलिए सहाबा का नाम अपने बच्चों का नाम रखोगे
सहाबा के नक्शे कदम पर चलोगे, अपने घर के अंदर सहाबा का तज़करा, अपने घर के अंदर सहाबा के किस्से, अपने घर के अंदर सहाबा की शान मकाम बताओगे, अपने घर वालों को सहाबा जैसा बनाने की कोशिश करोगे, अपने आप को सहाबा की तरह ढालने की कोशिश करोगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सहाबा के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दुआ।